उत्तर प्रदेश के बागपत से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां एक चाची ने 1.5 साल के बच्चे को नेशनल हाईवे पर गाड़ी के आगे फेंक दिया, जिससे बच्चे के सिर सड़क पर लग गया और गाड़ी से टकराने के कारण बच्चे की मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी ली। वहीं पुलिस ने बच्चे के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए दिया है। वहीं आरोपी महिला को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ कर रही है। बता दें कि ये पूरी घटना बागपत कोतवाली क्षेत्र के कैनरा बैंक के सामने दिल्ली सहारनपुर हाईवे की है, जहां शामली के लिलोन खेड़ी की रहने वाली एक महिला, जिसका नाम सीता बताया जा रहा है, वो अपने साथ दो बच्चों काला और कोको को लेकर राजस्थान के लिए जा रही थी। तभी कैनरा बैंक के सामने महिला ने छोटे बच्चे काला को इतनी सी बात पर हाईवे पर फेंक दिया, क्योंकि वो रो रहा था। बार बार महिला उसे चुप करा रही थी, लेकिन जब बार बार बोलने पर भी बच्चा नहीं चुप हुआ तो महिला ने उसे हाईवे पर ही फेंक दिया। इसी दौरान हाईवे पर बड़ौत की ओर से तेज गति से आ रही एक कार इस बच्चे को कुचलते हुए वहां से भाग निकली। बच्चे के ऊपर दूसरा वाहन गुजरता इससे पहले वहां मौजूद लोगों ने ट्रैफिक रुकवा कर आनंद फानंद में घायल बच्चे को अस्पताल पहुंचाया, जहां पर चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि पुलिस अभी महिला से पूछताछ कर रही है। महिला के साथ रही 9 साल कोको ने कहा है कि उसके पापा तो लिलोन खेड़ी में हैं, जबकि मम्मी राजस्थान में हैं। ये उनकी छोटी मम्मी यानी कि चाची है, जो उन्हें गांव से मम्मी के पास ले जा रही थी। हालांकि लोगों का कहना है कि ये महिला इन बच्चों को उठाकर लाई है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है, तो वहीं मृतक के परिजनों को भी इसकी सूचना दे दी गई है। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा भी क्या गुस्सा जो किसी मासूम को चलती गाड़ी के आगे फेंक दे, वो भी महज बच्चे के रोने भर के लिए। क्या महिला की ममता मर गई है जो महिला ने इस घटना को अंजाम दिया? वही महिला पुलिस की गिरफ्त में है और रो रही है, इसलिए इंसान को अपने गुस्से पर काबू रखना चाहिए। पंजाब केसरी टीवी के लिए बागपत से विवेक कौशिक की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।